हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जी से एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूँ शिवन मिनट ट्रिक्स। आज फिर से रोहित सर आपके लिए हाजिर हो गए हैं कुछ जादुई ट्रिक के साथ। वो 7 मिनट जिसमें आप कुछ ऐसा सीखते हो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपके लिए पेपर है, NTPC चल रहा है, तो कुंभ इसलिए कि भाई 2 साल हमने इंतजार किया, परीक्षा ले लो, अब एग्जाम तो आ गया, जिसमें से इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए समझते हैं और देखते हैं कि आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 मिनट ट्रिक्स में। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम, स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकारों का संरक्षण। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटी की बात कर रहा है, बात समझ रहे बच्चे, कहीं ना कहीं ये पॉलिटी की बात कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही समझा आपने, बात कर रहा है पॉलिटी की, आर्टिकल नंबर 19 की, जिसमें से कितने, शुरुआत में तो सर 7 थे लेकिन अभी कितने हैं, अभी 6 हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या कहानी होगी। देखिए, सबसे पहले समझे जो मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे संविधान में की गई है 12 से 35 तो है, और जिनका, जिन बच्चों का NTPC पेपर होगा तैयारी करके जाना बिल्कुल पूरा। इसे हम मैग्ना काटा, भारत का मैग्ना काटा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, भारत का मैग्ना काटा कहते हैं। 2 सवाल निकल कर आया, सर ये कहां से लिया गया, अमेरिकी संविधान से, USA के संविधान से। लेकिन हम जो देखते हैं, हमारा जो सवाल बनता है वो बनता है 14 से 32 के बीच में, आर्टिकल 14-32 के बीच में, 14 से 32 के बीच में। लेकिन सर आज पढ़ाने वाले क्या है कि 7 मिनट में पूरा फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा क्या, ना हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 19A, 19B, 19C, 19D। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है, इसके बाद ट्रिक के जरिए समझा देंगे आसानी से, ठीक है। देखो पहले क्या कहता है, 19A, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की आजादी, इसी में फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है, इसी में फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है, इसी में इंटरनेट की स्वतंत्रता आता है। दूसरा कहता है 19B से, हथियारों के बिना शांति पूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। समझते चलना फिर ट्रिक समझ जाएंगे। पहला बोला बोलने की आजादी, दूसरा सभा करने की आजादी बिना हथियार का, बी से। 19C बोला कि भाई संगठन हम बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं, गठन कर सकते हैं। चौथा बोला कि भारतीय क्षेत्र में कहीं भी, पूरे भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हो, घूम सकते हो बिना वेपन्स का, याद रखना। तो डी से घूमने की आजादी, ई से भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बसने और व्यवस्थित रहने की स्वतंत्रता, मतलब भारत में कहीं भी आप बस सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, रह सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था लेकिन अब क्या हो गया, हट गया, स्वतंत्रता खत्म हो गया 31 अक्टूबर 2019। फिर एफ, आपने देख, आप देख रहे होंगे स्टार लगा हुआ यहां, यानी संपत्ति का अधिकार, ये निरस्त हो गया 44th Amendment Act 1978 से। अब ये लीगल राइट हो गया, आपका लीगल राइट कानूनी अधिकार है, पैसा कमाइए, टैक्स भरिए, लीगल राइट है, तो जो आर्टिकल 300A में है। फिर जी में कोई भी पेशा, व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, ये तो 19A से लेकर जी तक था। अब समझना जो मैं कहानी कह रहा हूं, देखो क्या था, बिल्कुल कहानी समझना। सबसे पहले कहा 19A बोलने की आजादी। आप बहुत अच्छा बात करते हैं, तो भाई आप जब बात करेंगे तो आपको हर कोई सुनना चाहेगा, बिल्कुल। तो अब अकेले अकेले तो बोलेंगे नहीं, तो आपने क्या किया, मुझे जो सुने उसके लिए हमने क्या किया भाई, सभा लगाओ। तो हमने क्या किया, सभा किया, पूरा सुने। और जब सभा कर लिया आपने, तो अब जिस क्षेत्र से हो वहां के लोग तो आपको जानते हैं, लेकिन पूरे भारत के लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो बोले भाई पहले अपना मैं संगठन बना लूंगा, ताकि मैं अपने संगठन के जरिए मैं अपने अच्छी अच्छी बातों का विचार विमर्श करूंगा, फैलाऊंगा। बोला ठीक है सर। तो आपने क्या किया, संगठन बनाया,
19C से संगठन बना लिया। अब जब आपने संगठन बना लिया, आप अच्छा बोलते हैं, आपने सभा किया, संगठन बनाया, तो पूरे भारत में जाएंगे ना संगठन को देखने के लिए। मतलब क्या है? मतलब है कि 19D घूमने की आजादी, भारत में घूमने की आजादी, भ्रमण करने की आजादी, भ्रमण करने की आजादी, बात समझ रहे हो? भ्रमण करने की आजादी मतलब पहले बोले, फिर आपने सभा किया, संगठन बना लिया, अब अपने संगठन के जरिए पूरे भारत में घूम रहे हो, बस बिल्कुल भ्रमण कर रहे हो। आप इन सब काम करके इसे बसने की आजादी, अब आप अपना हेड ऑफिस बनाना चाहते हो कि भाई मैं थक गया हूं, मेरा एक ऐसा ऑफिस हो जहां मेरी बातें हर कोई सुने। बोला अच्छा ठीक है, तो आप सोचो मनाली में अपने ऑफिस बना ली, मतलब बसने की आजादी, बसने की आजादी मतलब आपने बोला अच्छी बातें हैं, फिर आपने सभा किया, संगठन बनाया, घूम लिया, ऑफिस मस्त बनाया, सरकार बोला बेटा बहुत पैसा कमाए हो तुमने, अच्छा हटाओ, संपत्ति के अधिकार को छीन लो, उस पर कानूनी अधिकार लगा दो, यानी 19 के एप से जो हमने कमाया सब चला गया। जब सब चला गया तो फिर क्या करेंगे? गरीब हो गए, तो जब गरीब हो गए तो फिर क्या करोगे? तब करेंगे हम, तब करेंगे बच्चे, कोई भी पैसा व्यापार करने की आजादी, मतलब कोई भी पैसा व्यापार करना पड़ेगा, फिर गरीब हो गए। बात समझ में आ गया? 19A से लेके पूरा सर्कुलेशन जी तक घुमा दिया, एक से दो बार देखेंगे, मजा आएगा, भूलोगे नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। अभी प्राइस बढ़ गया भाई 31 दिसंबर से SSC का, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो रेफरल कोड बाबा10 लगाकर, ताकि जो मेरे कोर्स आने वाले हैं हिस्ट्री के डिटेल वहां ऐसे ही पढ़ाएंगे पॉलिटी के साथ में, ठीक है भाई। और रेलवे के अगर एस्पायरेंट होंगे तो इस नंबर पे आप क्वेश्चन भेज सकते हो, ताकि सही सटीक रिव्यू हो सके, ठीक है। रेफरल कोड क्या रखेंगे यार? बाबा10। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही मजेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए क्या करना है आपको, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, है ना। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया।